वेकेशन हाय हाय टाटा मोटर वेकेशन एक्सटेंशन नहीं बनेगा कैमरा में कटा प्लांट रद्द करो जमीन लूटना बंद करो मन पिटा गाँव आसी तो लेकिन हमरा हेवी व्हीकल्स मोटर ट्रेनिंग बनते अथाय ना दिव कि हेवी व्हीकल्स मोटर ट्रेनिंग भालो कंपनी रहे कने कि देखो ड्राइवर तो कोनो दिन भालो होय नाय हो नाय नाय भालो कंपनी होले हमरा किछु एडजस्ट करती कोनो ठिने लेकिन मोटर ट्रेनिंग हमरा अथाय बनते ना दिव कने कि आंदे छाना पोना आछे कोनो दिन स्कूल कॉलेज जातो पारबे कि नाय एकाय क्योंकि अतः हमरा बनते दिबो ना बस कोनो भी हालत अंदर पूजा स्थान जाएगा हमरा एक इंच दिबो ना कने कि अतः हमरा जाए रहा गोट पूजा करी जाए रहा पूजा करी कने कि अतः हमरा सब दिन पूजा करें आज ची पूर्व जले और एक ना हमरा वो जाएगा अगला छाड़बो पूजा स्थान हमरा कोनो भी हालत एक इंच दिबो ना। हमें जो कचरा प्लांट बन रहा है उसी के विरोध के लिए हम लोग आए हैं समूह टोला से कचरा प्लांट के लिए जो जमीन पर हम लोग का समूह टोला में जो हम लोग जमीन है ना उसी में कचरा प्लांट बन रहा है इसी के लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। इसके बारे में बस वही हम लोग को कचरा प्लांट नहीं बनाना है और जमीन भी नहीं देंगे कचरा प्लांट के लिए अपना कचरा कंपनी के लिए विरोध करने हम लोग नहीं देंगे कचरा कंपनी को हम लोग अपना जमीन कभी नहीं देंगे इसलिए हम लोग विरोध करने आए हैं कि कचरा कंपनी को वहाँ से भगाएंगे इसलिए हम लोग आए हैं कि उसको नहीं देंगे अपना जमीन। हम लोग गरीब आदमी कहाँ बनाएंगे, वो तो कहीं भी कचरा कंपनी खोल सकते हैं, हम लोग कहाँ खोलेंगे कहाँ बनाएंगे घर अपना। इसीलिए हम लोग विरोध करने आए हैं कि कचरा प्लांट को भगाएंगे यहाँ खैर बुनी सामू टोला से। बोल हमरा नहीं भांगते दिबो हमरा भांगते नहीं दिबो ता डुकते नहीं दिबो काटिबो सला के एकदम भांगते नहीं दिबो हमरा घर दुआ जमीन जगह हमरा दिबो ही नहीं हमरा काई जाबो घुसते नहीं दिबो थाय अंदर जमी जायगा बन जंगल गंगल काटे हमरा घर द्वार बनाई छी हे हमरा गाय घर लोग कुता जाबो हे हमरा ना दिबो अंदर घर द्वार अंदर जमी जायगा हमरा दिबो ही नहीं एतटा हमरा बोलबो जा होबे देखा जाबे को लड़बो हां लड़बो लेकिन हटबो ही नहीं तो निजर घर द्वार बनाई छी गाय कत बुढ़ा पुरका लाछे হে আর এখন আমরা দিব হে না দিব কথা যাব না সরকার কেমন সরকার বটে আমরাও তো সরকারের লোক বটি আমরা ছাড়ে দিব না আদে ছানা পোনা কাই যাবে আমরা ঘর দুয়ার ছাড়ে কাই যাব হে সরকার কি জানে না এতদিন কি সরকার জানে পাইলো না যে আমাদের ঘর দুয়ার বটে কি কোন সরকারের জায়গা বটে অতদিন জানে না কাঠ পালা কাটে আর করে গড়া ঢড়া করেছি গরু বাছু চড়াবার জন্য আর এখন সরকার জায়গা তো নাই পাচ্ছে আমরা দিব নাই যে হবে হবে দেখা যাবে কার তো কার কার বাস তো কার বাস বাস যাই করে না পা না পি করলেন কি বলেন যে ঘর বাড়ি টিনলে কাকিদের পুরা রোড়েলে গোটা ইহা করে বলা নাই বলি নাই কিছু নাই আমরা দিব নাই আমাদের জমি আর দিব তো আমরা বাথরুম উথরুম কাই টয়লেট নাই কেউ কিছু নাই কেউ জায়গা গেলে আমরা বসি গরু ছাগল ছানা খেলছে আর কচে সিনান নাহান আন্দের ওই গিলা এই সকল আমল তো আপনার গাঁও কে লিয়ে আয়ে হ্যাঁ সাউন্ড লখার বানি মে जो ये कचरा प्लान बनने के लिए आ रहा है उसको ये करने के लिए उसी के विरोध में हम लोग आए हैं। कचरा प्लान को नहीं बनने देंगे। ये हम लोग का बच्चा हुआ खेलता है वहाँ गोट पूजा स्थान है जहरा है और तालाब है कहाँ हम लोग सरकार को जिस मैडम को जमीन इतना सारा जमींदार लोग है उन लोग को जमीन नहीं दिख रहा हम लोग मनपिटा का जमीन दिख रहा है हम लोग नहीं जमीन देंगे जान भी नहीं देंगे जमीन भी नहीं देंगे आर पार की लड़ाई होगी जब फिर भी जमीन नहीं देंगे हम लोग को कुछ बोले भी नहीं कुछ भी नहीं नापी करने शुरू कर दिए हैं हम लोग जमीन कुछ भी हालत में नहीं देंगे से घेरा हुआ है वही वाला जमीन बोल रहे हैं कि हमारे हैं साहू लेकिन हम लोग तो जन्म से देखे हुए हैं कि ये जमीन हमारे हैं लेकिन वो अपने घेरे में लगा रहे हैं और हम लोग को भगाए जा रहे हैं। जब हमारा खेत पाच हमारा दीबो ना किचु दीबो ना वन जंगल काटे हमारा घर बनाए छीन जमीन जगह करे छीन हमारा रखे छीन बुढ़ापुर कर रखे छे और हमारा एखन दीबो ना हमारा
हमरा किछो दिबो नाही हमरा समाते दिबो नाही हमरा हमर कत माहौल गाछ छै कत गाछ पाला छै हमरा कत छना रकम करें बड़ा करें छिन आर हमरा काको समाते जे दिबो नाही धान लगाय सब्जी लगाय हमरा काको दिबो नाही समाते जा हबे खबे हमरा देखा जाबे हम नौकरी न चाकरी हम छना पोना ओइले हमरा चास करे खाथिन छना पोना बड़ा करथिन रानी बापरी की करबो हमरा की करे खाबो हमरा हमरा दिबो नाही हमरा हमरा जमी जायगा दिबो नाही काको मेरा नाम है हरिपद मुर्मू। मैं आसनबनी तरफ परगना हूँ और इसलिए हम लोग यहाँ डीसी ऑफिस के यहाँ आए हैं। जितना भी कानून का ये उल्लंघन हो रहा है उसी के खिलाफ में पेशा कानून है। यहाँ पेशा कानून का ध्वजी उड़ाया जा रहा है। ये पांचों अनुसूचित क्षेत्र है उसको नहीं मान रहे हैं। सबसे पहले तो हम यही कहेंगे जब संविधान को नहीं मान रहा है तो किस चीज को मानेंगे। 24 दिसंबर 1996 को पेशा कानून बना है उसी आधार पर ग्राम सभा को मान्यता दिया गया है। उसी से दरमियान एक साल का समय दिया गया था। अगर 24 दिसंबर 1996 से 1997 तो अगर कोई उसका अनुरूप नहीं बनाता है तो वही सेंट्रल कानून लागू होगा लेकिन लागू है फिर भी ये लोग जबरदस्ती अपना कानून को बना रहा है। किस आधार पर बना रहा है? और ग्राम सभा सबसे राइट ये सब सर्वोपरि है। ग्राम सभा सब कोई मानता है, सुप्रीम कोर्ट भी मानता है और दुनिया मानती है। हम लोग यहाँ किस हाँ हम लोग यहाँ इसीलिए आए हैं। किसी से हम लोग भीख मांगने नहीं आए हैं। हम लोग हर जगह ने आए हैं। वो जता के जाएंगे और चिता के जाएंगे। पांचवी अनुसूचित क्षेत्र है, ग्राम सभा सर्वोपरि है। अगर कोई भी चीज आप बनाना चाहते हैं तो हम लोग उसका विरोध नहीं करते, लेकिन आप रास्ते में आइए, ग्राम सभा से परामर्श लीजिए। हम लोग ये क्या विकास का विरोध नहीं है, लेकिन सही तरीका से हो। हमारा जहाँ हित होगा वही हम लोग करने देगा। अगर जहाँ हमारा हित नहीं होगा हम लोग कुछ भी करने नहीं देगा। यहाँ क्या कर रहे हैं? गांव को क्या कूड़ादान बनाने चाह रहा है? वहाँ एक तो यह बनाएगा कचरा का निचरण हो और हाँ और ये भी बना रहे हैं। आपको बता दें क्या है भी तो हमारा जल जंगल जमीन जो हमारे यहाँ वहाँ के पुरखों ने बचा के रखा है उसको उजाड़ के
कोई नया चीज बनाएगा तो हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे किसी भी कीमत हम लोग उसको रोकना है। आज मानपीटा ग्राम सभा, खैरबनी ग्राम सभा और उलेडी घासिया झोपड़ी परसुडी तीन चार पांच ग्राम सभा के लोगों का ये संयुक्त एक प्रदर्शन है और हम लोग डीसी के मैडम से माननीय मुख्यमंत्री तक यह ज्ञापन और ये हमारी मांग त्वरित कार्रवाई करते हुए समाधान निराकरण के प्रत्याशा में हम लोग आज इस चिलचिलाती हुई धूप में माँ बहने और ग्राम सभा के माजी बाबा और ग्राम प्रधान लोग आए हुए हैं। हमारी मांग है खैरबनी में जो आप कचरा प्लांट जमशेदपुर शहर के कचरा प्लांट आप स्थापित करना चाहते हो, इसके लिए भी 2013 में प्रयास किया गया था और उसमें बकायदा पेशा कानून के तहत वहां ग्राम सभा की गई और ग्राम सभा में ग्राम सभा ने सर्वसम्मत रूप से इस प्रोजेक्ट को गांव के शांत और प्राकृतिक एकदम वातावरण को किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ ना होने देने के लिए और उसके संवैधानिक प्रावधानों को रक्षा करते हुए उसको इस कचरा प्लांट को रद्द कर दिया था और उसके बाद मानपीटा में हैवी व्हीकल्स ट्रेनिंग सेंटर बनाई जा रही है। तो इसके लिए भी हम कहना चाहेंगे जिला प्रशासन और उसके बाद सीओ जमशेदपुर के ओर से कि आप ऐसा क्या हो गया जो घाटशिला में ये वाला प्रोजेक्ट आप लगा रहे थे, वहाँ के ग्राम सभा के द्वारा जो है ना बकायदा प्रक्रिया अपनाई गई थी, उन लोगों ने सहमति दिया लेकिन वहाँ क्यों नहीं लग पाया, फिर आप यहाँ जो मानपीटा आए। तो ये आप लगातार जो है आप ग्राम सभा के साथ बिना संवाद किए और सुसमग तरीके से प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से बिना प्रक्रिया अपनाए अगर आप इस तरह करोगे तो लगातार आंदोलन होगा और झारखंड जल जंगल जमीन के मामले में छोटनागपुर टेनेंसी एक्ट विल्कनसन कानून और उसके बाद पेशा कानून और यहाँ की जो रूढ़िवादी व्यवस्था है और यहाँ के जो जल जंगल जमीन है, यहाँ की जो जहरा है, यहाँ जो गोट टांडी है, यहाँ की जो ग्राम सभा है, यहाँ के जो ग्राम प्रधान है, उनके अगर मान सम्मान को थोड़ी भी ठेस पहुंचाई जाएगी या उनके प्रावधानों को धज्जी उड़ाई जाएगी तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी चाहे वो कोई भी रहे। और इसीलिए पिछले सरकार को उखाड़ दिया गया है, वर्तमान सरकार जल जंगल जमीन वाली सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, इस सरकार को हम लोगों ने बनाने का काम किया है। हमारी मांग है कि जो प्रशासन यहाँ पर इस तरह अवैध और गैर कानूनी नियम कानूनों को ताक पर रख करके काम कर रही है उस पर लगाम लगाया जाए, उसको ट्रांसफर किया जाए, उनका जांच किया जाए और ग्राम सभा को विश्वास में लेते हुए सुसंगत तरीके से पेशा कानून के प्रावधानों को लागू करते हुए आपको काम करना चाहिए ताकि इस तरह का विवाद और इस तरह का संघर्ष को टाला जा सके, अन्यथा झारखंड के खिलाफ में जोरदार आंदोलन होगी। आज संयुक्त ग्राम सभा संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोग डीसी ऑफिस में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग का जो मांग है, जो डिमांड है कि 2009 से जो खैरबनी सामूटोला के लोग कचरा प्लांट का विरोध कर रहे हैं और जबरदस्ती जो है नगर के कचरा को, आदित्यपुर नगर निगम के कचरा को, आज कोपाली का कचरा को, आज जमशेदपुर आदिसूचित क्षेत्र का कचरा, मानगो का कचरा, ये सब सारे कचरे को जो है आप इकट्ठा करके वो खैरबनी सामूटोला में ले जाइएगा, वहाँ प्रोसेसिंग करिएगा। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ग्राम सभा के तरफ से हम लोग जोरदार 2009 से विरोध कर रहे हैं, आज भी विरोध कर रहे हैं और जब तक जो है उसको खारिज नहीं होता है तब तक हम लोग विरोध करते रहेंगे। आप शहर का कचरा जो है नगर विकास का पैसा को किसी भी हाल में ग्रामीण विकास में नहीं लगा सकते, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं लगा सकते। हम लोग उसको पुरजोर विरोध करेंगे अपने गांव को बचाने के लिए। आज हम लोग मानपीटा ग्राम सभा से भी आए हैं, वहाँ जो गांव के बीचों बीच मानपीटा में हैवी व्हीकल मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर लगा रहे हैं आप लोग, ये जबरन लगा रहे हैं, ये पांचवी अनुसूची क्षेत्र है, उसका कानून को ताक में रखकर आप पंचायत राज व्यवस्था के कानून को जो है ताक में रखकर यहाँ जो बिना ग्राम सभा का हैवी व्हीकल मोटर ड्राइविंग परियोजना को लगा रहे हैं, इसका हम लोग ग्राम सभा की तरफ से पुरजोर विरोध कर रहे हैं और लगातार विरोध करते रहेंगे। इसको जब तक खारिज नहीं होगा तब तक विरोध करेंगे। हम अपने गोट पूजा स्थल को, हम अपने गोटचोर स्थल को, हम अपने जो है जाहिर खान स्थल को, तालाब को, गांव के जमीन को हम बर्बाद करने, गांव को बर्बाद करने, गांव के लोगों को तबाह करने की अनुमति आपको नहीं देंगे। हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आज नगर निगम के नाम से जो पंचायत क्षेत्र को मानगो क्षेत्र में विस्तार कर रहे हैं, परसोडी पंचायत क्षेत्र में नगर परिषद विस्तार कर रहे हैं, इसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं, ग्राम सभा विरोध कर रही है। आप पहले मेसा बनाइए सेंट्रल गवर्नमेंट में, पेशा बनाए तो पंचायत राज का विस्तार करके 32 साल बाद चुनाव हुआ, मेसा आज तक नहीं बनाए और अगर बिना मेसा बनाए अब नगर का विस्तार कर रहे हैं
पंचायत को ले रहे हैं तो ये गलत है। ये भारत का संविधान आपको अनुमति नहीं देता है, किसी भी सरकार को अनुमति नहीं देता है, इसलिए पांचवी अनुसूचित क्षेत्र में आप इसको जो है बंद करिए तत्काल। यहाँ नगर परिषद का चुनाव नहीं होगा। हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आज 30 ग्राम सभा के लोग आए हैं। अगर ये सबको आप खारिज नहीं करते हैं, समोटोला से कचरा प्लांट खारिज नहीं करते हैं, मनपिटा से हेवी व्हीकल मोटर ड्राइविंग सेंटर खारिज नहीं करते हैं, तो पूरे जिले के ग्राम सभा आएगा और 3,500 ग्राम सभा आपको घेरने का काम करेगा, सरकार को घेरेगा। कृष्णा लोहार, सामाजिक कार्यकर्ता। जमीन लूटना बंद करो।